अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। मैं उसी गली में मौजूद हूं जो वॉल्टन का इलाका है। यहां पर दो तरफा फायरिंग हुई। और फायरिंग होने से तीन लोग जो है वो जख्मी हो गए, लेकिन जो FIR हुई वो चांद और दीगर लोगों के खिलाफ जो है वो FIR हुई। जबकि दूसरी जो मुल्ज़िम पार्टी है उसका मौकफ ये है कि FIR जो हुई है या जो फायरिंग या जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सिर्फ इस बात पर हुआ कि वो पहले बहुत से लोग इकट्ठे होकर उनको प्रेशराइज कर रहे थे और प्रेशराइज करने के बाद उनको मजबूर किया जा रहा था, लेकिन इनकी जानिब से मिन्नत समाजत की जा रही थी। उस मिन्नत समाजत के इव्स भी उन्होंने फायरिंग वहां से की और कोई खंभे पर चढ़ा तो कोई किसी मकान की छत पर चढ़ गया और इनको तशद्दुद का निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। इन्होंने अपने दिफा में भी फायर किए क्योंकि दूसरी तरफ से फायर हो रहे थे। आखिर वजह क्या है? इस किस्म के वाकयात हमारे लाहौर शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मिन्नत समाजत की जाती है या जब रोका टोका जाता है तो उसके बाद मामला हल हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका? और आखिर वजह क्या है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए? या फिर यहाँ पर जो तनाज़ा है वो जायदाद का है या दुकानों पर कब्जे का है? अब ये बात सामने आ रही है कि जो जख्मी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर दुकानों पर कब्जा किया है, दुकानों पे कब्जे के साथ साथ मकान पर भी कब्जा किया हुआ है और पहले भी बेल्फ के जरिए उनसे एक मकान खाली करवाया जा चुका है। अहलियाने मोहल्ला भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो ये बताएंगे कि उस दिन एक्चुअल वाकया क्या पेश आया था। अब जो बात की जा रही है वो 780A के हवाले से कुछ असर रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ पुलिस पर दबाव भी डाला जा रहा है कि इस पर 780A लगाया जाए। हालांकि इनका कहना है कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि अगर फायरिंग से लोग जख्मी हुए तो 324 का मुकदमा इन पर ऑलरेडी दर्ज है और 780A उस वक्त लगाई जाए जब इनकी तरफ से पहल की गई हो या इनकी तरफ से कोई बात की गई हो। पुलिस अभी तहकीक कर रही है, लेकिन हरियाणा मोहल्ला इस हवाले से क्या कहते हैं यही जानते हैं। यहाँ पर नाज़रीन ये दुकानें हैं और दुकान के मालिकों का कहना है कि इस दुकान का वो किराया वो रेंट जो है वो नहीं दिया जा रहा। फायरिंग का वाकया तो एक तरफ कि उन पर फायर हुए या उन्होंने पहले फायर किए, ये सारा वाकया एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब क्या किसी की दुकान पर कब्जा करना बिल्कुल जायज़ है या किसी का हक मारना, हक तलफी करना जायज़ है? ये लोग मुसलसल दुकान खाली कराने के लिए उस शख्स को कहे जा रहे हैं लेकिन वो खाली नहीं कर रहा और उसके बाद ये फायरिंग वाला वाकया भी पेश आ गया। आपकी दुकान है सर? हाँ। ये कितने अरसे से यहाँ पे बैठे हैं? ये बैठा कि ना सन 2000 दे बीच 2000 दे हाँ सात जी लड़ाई हुई उदो भी इन्हें धमकियां लाई हैं इस जगह से उस जगह से दो जगह से गनमैन बैठा हों रहा एक महीना डेढ़ साल इन्हें मैं किराया नहीं दिता। उस तो बाद फिर बंदे पै गए किराया थोड़ा तय होया फिर इन्हें किराया मैं हौली हौली देंदा नहीं रहा कभी 2000 देता कभी 5000 देता 1.5 लाख रुपया होया सन 13 दे बीच इन्हें मैनू क्या जी नाम की नाम शेख रशाद शेख रशाद इन्हें मैंने कहा जी मैं दुकाना तेनू देवगा इस शर्त दे मैनू 7 लाख रुपया दे क्यों मैं अड्डा बनाया वो बड़ी मुश्किल ने स्टाम कराया स्टाम च 10 उसके लिखा सी साल बाद 10% बढ़ावगा इन्हें 2 साल बाद 10% बढ़ाया ना इन्हें 10 तरीक मैं एक दफा किराया नहीं देता हूँ तो किराया नहीं दे रहा हूँ 3 साल बाद जी किराया बढ़ावगा 2 साल 10 साल तो किराया नहीं नहीं बताया नहीं किराया देंदा रहा हाले भी 70-80 हज़ार खाली करा क्या खाली कहन का किराया उन्होंने कई दफा किन्नी दफा इन क्या कहें मेरा समान चुक के बाहर छोड़ दो मैं बैठा वा मैं नहीं दो FIR FIR उदो कराई थी उस तो सानू नहीं दिखाए सोने की चेन पाई सी उदो कहले 14 ग्राम की मानी ग्रामी वो परे दुकान है जिते दुध दही वाला उत्थे दुकान होंगी सी उन्हें कहा जी मैं क्या नहीं ए, मैं नहीं करान टुकना उत्थे थाने यो ही गल की मैं मानी करामी चेन 14 ग्राम की महीने बाद 18 ग्राम की हो गई नहीं नहीं महीने बाद 18 ग्राम की हो गई मैं और मेरे बच्चे जो है ना ऑफिस में थे ऑफिस बंद कर रहे थे हम जब पहली लड़ाई जब हुई जब पहली लड़ाई बच्चों की हुई है क्रिकेट से तो वो घर में आ गए मेरे से मादरत करने के लिए तो मैंने कहा यार मेरे सारे बच्चे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं वो भी मेरा बेटा है ये भी बेटे हैं आप एक जगह पे बैठ के इकट्ठे खेला करें ऐसी कोई बात नहीं है तो कहते ठीक है 2-4 दिन बाद कहा हमारे दिल में कोई बात नहीं मैंने कहा इनकी जफियाँ डलाओ रंजिश ख़त्म कराओ इनकी यार
यहाँ से चाय पानी पी के गए हैं, चले गए हैं। तीन चार दिन बाद मुझे उन्होंने बताया कि वो कहने लगे जी हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं जी शेख साहब, वो हमारे भाई हैं। मैंने कहा ठीक है। चार दिन के बाद हम दफ्तर में बैठे हुए हैं तो मैंने बेटों का कहा, जब बारिश होने लगी थी तो मैंने बेटों का यार दफ्तर बंद कर दें आप, बारिश के मौसम में किसने आना है, घर चलते हैं। तो हम घर आ रहे हैं, बच्चे ताले लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे था तो किसी ने मुझे आवाज़ दी कि आपके बेटों को ना, आपके बेटों की लड़ाई होगी। वो मैं भाग के देखा जाके तो मेरे एक बेटे का सिर फटा हुआ वो साइड पे लग गया, दूसरे का सिर फटा हुआ वो लग गया। वो मैंने पूछा किसने मारा, कह रहे जी वो सामने बैठे हुए हैं सारे। वो मेरे बेटा उठ के आया, जो शान बेटा मेरा उठ के आया हाजी, तो वो कहने लगा इसने मुझे मारा। तो चांद सलहरी जो उसका गिरेबान पकड़ के तो उसको जनाब गाली निकालने लगा आपके सामने, मेरे सामने। मैंने उसे कहा यार ये तुम्हारे बाजू हैं, तुम इसे क्यों गाली निकाल रहे हो, क्या मसला तुम्हारा? जी जी मुकदमा भी कराने की कोशिश जी बहुत करवाते हैं, करवाते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनता, हमें थ्रेट करता हर बात पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परेशान हैं, ठीक है, इसको तंग कर रहा है हमें बार बार मसलसल। तो आपने कहा कि दुकान खाली कर, बहुत दफा कहा है हमें बार बार तंग करता है, मजबूर करता है कि हम किसी को ना कह सके, थ्रेट करता है कि हम फिर चुप कर जाते हैं, पर कहते हैं कि हमारी दुकान खाली करो, हमारी दुकान खाली करो, पर ये नहीं करता। हमें धमकियां लगाता है जी मैं मरूंगा फिर निकलूंगा, ठीक है। किराया मार्केट में चल रहा है दुकानों का 15,000 रुपया दो दुकानों का, और ये हमें दे रहा है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया दो दुकानों का दे रहा है। कब से ये 2013 से दे रहा है, वो भी अभी भी तकरीबन इसके पास हमारा कोई 1.5-2 लाख रुपया किराया बना हुआ। मैं गया हुआ था शालमी, अच्छा, उधर कॉल आई कि आपके छोटे भाइयों का ना सर फाड़ दिया किसी ने, अच्छा, ठीक है। मैं उधर से आया हूँ तो काफी लोग यहाँ जमा थे मोहल्ले के, उन्होंने कहा कि आपकी ना सुलह करवानी है। वाले साहब ने कहा चलो सुलह कर लो, इससे बेहतर बात कोई नहीं है। सुलह करने के लिए बैठे हैं तो 10-12 मुसल्ला होके आ गए। सर फाड़ा था आपके भाई का? हाँ सर, बोतल मार के सर फाड़ा था, एक का, एक को 17 टांके लगे, एक को 6 टांके लगे, दोनों भाइयों को लगे जी। ये कब लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी कोई 7:30 बजे 16 तारीख को। अच्छा 16 तारीख को 7:30 बजे सुबह? नहीं शाम। हाँ जी, अच्छा, मगरिब के बाद, यानी ग्राउंड में हुई? नहीं मोहल्ले में। तो वो क्या था तनाजा, क्या था, किस वजह से हुई? तनाजा यही था, जो पहले की रंजिश चल रही थी वो खत्म नहीं की थी उन्होंने। पहले की रंजिश क्या थी? ये ना क्रिकेट खेलते हुए मुंह मारी हुई। हाँ। उसका बड़ा भाई वार्डन आया, उसने कहा सुलह होगी हमारी आपस में। हाँ। हम एक ही मोहल्ले के हैं, वो सुलह करके चले गया, वही चलता रहा सब कुछ, वही चलता रहा। उनके दिल में मुनाफ़त थी, आए दिन इनकी लड़ाइयाँ रहती हैं, ठीक है। रात को 3-3 बजे तक इनकी शॉप्स खुली रहती हैं। क्यों? यहाँ पे बैठे लड़के, आवारा लड़के बैठते हैं, जुआ होता है, हर चीज होती है, मैच पे करते हैं जुआ, ठीक है। रात को 3-3 बजे तक इनकी दुकानें खुली रहती हैं, बंद ही करते, शोर शराबा होता है। मेरी एक भतीजी है, वो थोड़ी सी दिमागी पे, जब शोर शराबा होता है वो बीमार हो जाती है, हमें भाग के उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है। ये जो वाकया हुआ था फायरिंग वगैरह वाला, जो जख्मी हुए ये क्या था? ये कोई वाकया नहीं, इनकी अपनी लड़ाई है, अक्सर लड़ाई रहती है इनकी, हर हर इनकी जानिब से भी असला वगैरह ले, इनकी जानिब से भी हुआ, इनकी तरफ से स्टार्ट हुआ। इन्होंने 250-300 लड़का इधर इकट्ठा किया हुआ था, पूरा बाजार भरा हुआ था। ये हमारी गली में बाइक्स खड़ी थी, ठीक है, पहले इनकी तरफ से मसला हुआ फिर हुआ। ये फायरिंग हुई है, फायरिंग से हमारे घर साथ है, इन्होंने पहले की, इन्होंने की, और जख्मी भी है, जख्मी भी है। फायरिंग इनके जानिब से भी की, 250-250 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, और उसके बाद ये दुकानें जो हैं जी, दूजे नंबर दे जो भी इनको ना दुकाना खाली कर दे, कहंदा नाल दे दुकाना खाली करा ला, मैं नहीं करनी है। ऐ देखो मेरी अपनी दुकान गैराज च बनाई है, देखो आगे ये आपकी दुकान है? हाँ जी। ऐ देखो खाली नहीं करा, खाली नहीं, कहंदा मैं नाल दे करा ला, मैं नहीं करनी खाली। हमारी अपनी, हमने शॉप ये गैराज में खोली हुई है, हम आप दिखा सकते हैं आपको, ये साथ ही है मेरे, ठीक ही नहीं रहते, वो भी इससे टेंशन से, वालदा मेरी इसी टेंशन से फौत हो, उसी अपनी दुकान करनी से। हां जी, वो खाली नहीं कर, नहीं खाली कर, कि माल हां जी, कहंदा अगले खाली कराओ, मैं क्यों कराऊं, वो तो किराया भी तो ज्यादा दे, वो किराया भी ज्यादा दे रहे, किराया भी टाइम ना दे रहे, किराया भी नहीं देंदा टाइम ना, एक एक महीना 1.5 महीना मुंडा मेरा छोटा मुंडा टेलीफोन करके इन बुलाऊंदा, कभी टेलीफोन चुकदा नहीं, कभी चुकेगा जी मैं 1-2 दिन तक करदे महीना 1.5 महीना 2-2 महीने कर देंदा। क्या इतना मजबूत है, डरते हैं यहां? ये हमें थ्रेट करता रहता है ना, इसकी अप्रोच बड़ी दूर दूर तक है, यहीं पे रहते हैं जी। जी मैं भी यहीं पे रहता हूं। क्या वाकया हुआ था? एक तो ये दुकानों वाला मामला सामने आ रहा है। हां जी, दुकानों वाला तो मामला बहुत पुराना चल रहा है इनका, बेचारे ये बहुत कह लें कि शरीफ बंदे हैं, ठीक है, इस इलाके के,
और काफ़ी बार इनका मसला भी चला आपस में, लेकिन वो बहुत हैवी हैं बच्चों पे। एक एक रुपया जोड़ के इनकी दादी अम्मी ने ये जगह ले के, हम तो इधर के रहने वाले ना, एक एक रुपया जोड़ के इन्होंने जायदाद बनाई है। और कोई आके थर्ड पर्सन यहाँ काबज हो जाए, जो ये तो जंगल कानून बना हुआ है यहाँ पे। तो ये कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा है? इसको तो मेरे ख्याल यहाँ पे हो गए हैं कुछ 7-8 साल हो गए। हाँ जी, तो बात ये है कि वो बेचारे अक्सर इनका ये फड्डे फायरिंग का वाक्य हुआ था यहाँ पे, इनकी जानिब से भी फायरिंग की थी, ये कह रहे लोग यहाँ पे बुलाए गए। हाँ जी, कोई 100 से 150 लड़का था, पूरी गली भरी हुई थी। और पहले सारे मोहल्लेदार यही कहते रहे कि भाई ये लड़ाई बनती नहीं करनी। फिर बंदे यहाँ लड़के बुलाते रहे, इकट्ठे होते रहे, उसके बाद फिर वो मामला ख़राब हो गया। ठीक है, यहाँ पर 100-150 लड़कों को जो है वो पहले बुलाया गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो फायरिंग का वाक्य जो है पेश आया। इतने लोग वहाँ बैठे हुए, दफ्तर में बुजुर्ग बैठे हुए थे, काफ़ी बुजुर्ग बच्चे हैं जिनके कपड़े छन्नी हुए हैं, बच गए वो। अच्छा, हाँ जी। तो क्या साकिब नाम है जिसने फायर? साकिब है जिसने मुझे मारा। कितने लोग आए वहाँ? वार्डन 10-12 लोग। हाँ, साकिब वार्डन है, साकिब मुनीर। इस पे पहले भी केसेस हैं, शराब पी के करता रहता है हरकतें। तो आपके मोहल्लेदार ही? हाँ जी, मोहल्लेदार ही। अच्छा, तो मोहल्लेदारों ने कहा कि जी सुलह करवा देते हैं। हाँ जी, सुलह करवा देते हैं। आप लोग सुलह की नीयत से वहाँ पे? सुलह की नीयत, लेकिन वो असला लेके आए। असला ले कितने लोग आए? 10-12 लोग थे। 10-12 लोग, सबके पास असला था? सबके पास असला था, और 2 असला छोड़ के भी भागे। कितने अरसे से आप रह रहे हैं और क्या सीन क्या है? मुझे तो तकरीबन 4-5 साल यहाँ हो गए हैं, और मैं ज़ाती तौर के ऊपर उस वक्त जब फायरिंग हो रही थी तो मैं उस नान वाली दुकान के पास खड़ा था, तो मैंने चांद को देखा। यहाँ कुछ इस दुकान के ऊपर लोग बैठे हुए थे, गालबन राजीनामे के सिलसिले में, वो सुलह कराने के लिए। तो मैंने वहाँ से देखा तो यहाँ काफ़ी तकरीबन 250-300 लड़के खड़े थे। मैं घर से निकला, मुझे परेशानी हुई कि क्या वजह है, मुझे मालूम नहीं था कि क्या चक्कर क्या है। मैं वहाँ नान वाली दुकान के ऊपर खड़ा था, वहाँ से देखा तो चांद को मैंने देखा, चांद वहाँ से घर से उतरा, और मेरे ख्याल में यहाँ राजीनामा के लिए आ रहा था। यहाँ भी कुछ बुजुर्ग बैठ, अल्लाह बेहतर जानता है कौन बैठे थे, लेकिन यहाँ आया। मैंने सिर्फ वहाँ से इतना देखा कि चांद यहाँ आया, न उसके हाथ में असला था, न उसके साथ और कोई था, वो था और मेरा ख्याल है उसका छोटा भाई था। वो आए और मेरा ख्याल है घुसने की उन्होंने यहाँ कोशिश की, मैं वहाँ से देख रहा था, और यहाँ एकदम ही फायरिंग शुरू हो गई। और फायरिंग ऐसी फायरिंग शुरू हुई जो कि पता नहीं चल रहा था कि फायर कहाँ। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और फायरिंग में पला बला हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फायरिंग जो मैंने देखी, मेरे ख्याल में यहाँ कोई फायरिंग ऐसी नहीं हुई, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बावजूद इसके कि मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मैं भी डर गया। मैं उस कॉर्नर वाली गली में जाके साइड से देखने लगा तो यहाँ से बिल्कुल अंधेरा और फायरिंग की आवाज़ और चिल्ले चिल्लाने की आवाज़ और लोग बगड़ दगड़ शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो एक शख्स को यहाँ मैंने देखा फायर लगा हुआ, वो उसको ले जा रहे थे। मैं, मेरा ये छोटा भाई और बाबा, हम ऑफिस बंद करके घर आ रहे हैं। ऑफिस आपका जो प्रॉपर्टी का? जी, प्रॉपर्टी का ऑफिस है। ऑफिस बंद करके बाबा के साथ घर आ रहे हैं, आते साथ उन्होंने इसके पीछे कंधे से पकड़ा इस भाई को। अच्छा। कंधे से पकड़ा और पकड़ते साथ सर उन्होंने इसको मारना स्टार्ट कर दिया। मैं छुड़वा रहा हूँ, मुझे भी राणा अवैस ने पकड़ा साथ, कैंडी ने पिस्टल के बट मारना शुरू कर दिए, अदील जट ने साथ ही, शॉप है, स्टोर है, जनरल स्टोर, वहाँ से शीशे की बोतल निकालनी शुरू कर दी हैं। इन्होंने मेरे सर पे बोतलें मारना शुरू कर दी हैं। कहाँ तक लगी सर ये सारा? इधर इस तरह पूरा सर लगा है। सर मेरे आए हैं 13 के करीब टांके आए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन है? सर मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मेंशन शायद है, क्योंकि मुझे इन्होंने नहीं बताया इतने स्टिचेज लगे हैं। मेरी कंडीशन ब्लीडिंग होती रही है मेरी। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। कितने अरसे से? तकरीबन 20-25 साल से इधर रहते हैं। ये क्या मामला है दुकानों पे कब्जे का, फिर वो फायरिंग का वाक्या हो गया? ये कब्जा ग्रुप का आदमी है, थाने नसीराबाद ने पहले FIR हुई है, शेर शाह। तो ये पूरे महल्ले में बेइज्जती है, मतलब कि किसी ने चाटा मार देता है, इन बच्चे 2-3 होंगे ने इन्हें अपने ही। वो तो कहते हैं शेखर शाह वगैरह की उनके साथ ज्यादा हुई है, उन पर फायर किया, ये वो सारा। नहीं, फायरिंग तो इधर खुद ही करते रहे और इनके बच्चों को लगी। अच्छा, ये 2 तरफा फायरिंग हुई? हाँ, 2 तरफा, एक तरफा नहीं हुई। एक तरफा नहीं, ठीक है। तो नहीं, ये इनका मकान यहाँ पे 17-18 साल से? हाँ, अपने मकान में? नहीं, किराए रेंट पे, मकान भी रेंट पे? हाँ जी। और ये दुकानें भी रेंट पे? दुकानें भी रेंट पे। दुकानों वालों के साथ तो ज्यादा हो रही है। आप लोगों ने, मोहल्लेदारों ने कभी नहीं सोचा कि बैठ के इनकी जरा तस्फिया करवाया? बाकी वो नहीं मानता,
अभी वो 22 साल के इधर रह रहा है, तो इनको भी कहता है ना कोई किराया नहीं देता, 3-4 महीने के बाद 3-4 हज़ार रुपया दे देगा, कहते मुझे मारोगे तो ठीक है फिर खाली कर। यानी ये दुकानें हैं और दुकान का मालिक जो है वो इल्तिजा कर रहा है उनसे कि ये दुकानें खाली करें और ताकि वो अपनी दुकान यहाँ पे कर सके, क्योंकि उसने अपनी दुकान जो है वो गैराज में की हुई है। यानी मालिक जो है वो अपने हकूक मांगने के लिए उसकी मिन्नतें कर रहा है लेकिन वो नहीं खाली कर रहे। शेख इरशाद साहब आप भी यहीं पर रहते हैं जी? कितने अरसे से? शुरू से इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, शुरू से इधर रह रहे हैं? हाँ जी, पैदाइश यहाँ की है मेरी। तो ये क्या वाकया हुआ था खुसूसन जो उस दिन फायरिंग वगैरह वाला वाकया हुआ, क्या एक्चुअल फायरिंग का? इनके आए दिन आप पूरे इलाके से पूछें, आए दिन इनकी लड़ाई झगड़े यहाँ पे होते हैं, आए दिन हर माड़े बंदे के साथ ज्यादती करते हैं। ठीक है, वो किसी तगड़े के साथ नहीं लड़ते, उनको पता है कि इनके साथ लड़ेंगे उन्होंने घर आके उठा लेना। ठीक है, माड़े बंदे के साथ ज्यादती करते हैं। आप ये देखें दुकानों पर कब्जा करके बैठे हैं कितने सालों से, अब वो माड़ा बंदा कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो मौलेदारों ने कभी नहीं मिलकर सोचा? उन्होंने काफी दफा बैठने की कोशिश की, ये आता ही नहीं है, कभी फोन बंद कर देता अपने, घर जाते हैं घर है नहीं, जब अगर मिल जाए सामने वो कहता मेरी तबीयत खराब थी। फायरिंग जिस दिन हुई है तो उनके जानिब से तो कहा जा रहा है शेख इरशाद वगैरह की ज्यादती इन लोगों ने की है? नहीं नहीं नहीं, इन लोगों की नहीं, इन लोगों की ज्यादती नहीं है। ये यहाँ पे 250-300 इन्होंने लड़का इकट्ठा किया, उसके बाद उनके घर के बाहर जाके बोतलें मारी हैं कि भर के बाहर, हाँ जी बाहर निकलो, हम तुम्हें आज मार देंगे, आज तुम्हें कफन पहना देंगे, ऐसी इन्होंने बातें की। उतनी देर में मेरे कुछ रिश्तेदार भी आ गए सुन के सामने से, गली मोहल्लेदार भी, बाजार में लोग भी इकट्ठे हो गए और हम दफ्तर में बैठ गए। एक मेरा बेटा जो घर में था, एक मेरा बेटा ईद मिलादुन नबी का सामान लेने गया था डेकोरेशन का, तो दो मेरे बेटे जिनका जो जख्मी थे वो उनको मैंने भेजा, मैंने कहा यार बंदे आ रहे हैं कोई बात नहीं आ गए तो आप जाके पट्टियाँ करवाओ। महकमा पुलिस हमारा मुतलका थाना फैक्ट्री एरिया 15 कॉल पे आए हैं, तो उन्होंने जनाब हमारे से बात की, मैंने कहा यार कोई बात नहीं सब दोस्त आ गए हैं, तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैं इधर ही ख़त्म कराना चाहता हूँ, इनकी लड़ाई ना हो जाए दोबारा। इतनी बात हो रही है वो पुलिस वाले जो है चल गए। बाद में डॉल्फिन आई है, डॉल्फिन वाले में को भी मैंने यही मदद करके कहा, मैंने कहा यार आप चल जाएं हमारे मोहल्लेदारी है तो हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये भी हमारे बेटे हैं। तो सब कहने लगे ये तो शेख साहब आपने बहुत अच्छा किया जो इनको मोहल्लेदारों ने अप्रिशिएट किया। हाँ जी, अप्रिशिएट किया। उसके बाद जनाब थोड़ी देर में सारी बात करने लगे, चलो शेख साहब बैठ के इनको बुलवाते हैं। तो वो जनाब मुझे नहीं पता उनकी तरफ कौन गया है कौन आया, वो अपनी छत पे बैठे हैं सारे। रिपोर्ट दे दी होगी कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। हाँ जी, दफ्तर में। जी हाँ, तो वो जनाब अपनी छत पे सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए तो जनाब एकदम वो अकरम मेहर है 4 सीजन वाला, वो आगे आगे आया है, वो आगे आगे बढ़ा। मैंने देखा जब बाहर फायरिंग हुई है तो मैंने बाहर दफ्तर से निकल के देखा मेरे बेटे बाहर, अल्लाह खैर करे यार। वो कह रहे शेख साहब कुछ नहीं होता, मैं बाहर गया हूँ तो मेरे बेटे ने मुझे बताया अबू जी मुझे इन्होंने फायर मार दिया।